गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप कि बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, आपको क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप लोग नोटबुक पेंसिल इरेजर बैग से बाहर निकाल लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। आप लोगों ने निकाल लिया, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास कौन सा है? क्लास LKG और सब्जेक्ट क्या आपका? मैथमेटिक्स है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को टेबल पे डायरेक्टर और क्रिएटर टेबल, उम्मीद करते आप सभी बच्चों ने याद कर लिया होगा। मैंने होमवर्क में से रिमेंबर करने दिया था और रिमेंबर करके लिखना था आप लोगों को एक साइड। तो उम्मीद है सभी बच्चों ने होमवर्क किया होगा और आप लोगों ने रिमेंबर भी कर लिया होगा। टू थ्री का टेबल तो आप लोगों का कम्प्लीट हो चुका, आज हम लोग फोर का टेबल देखेंगे। ओके, तो आप लोग रेडी रहिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मल्टीप्लीकेशन टेबल, ओके, टेबल ऑफ हम लोग आज फोर्थ का टेबल देखेंगे। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं लिखूंगी और रीड भी करूँगी, जैसे जैसे मैं रीड करूँगी आप लोग साथ साथ रीड कीजिएगा। ओके, चलिए पढ़िए। फोर वंस आर फोर, फोर वंस आर फोर, फोर टूज आर एट, फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, फोर फोर्स आर सिक्सटीन, फोर फाइव्स आर ट्वेंटी। नीचे जगह नहीं इसलिए मैं इस साइड लिख रही थी। फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर, फोर सेवन आर थर्टी सॉरी ट्वेंटी एट, फोर एट्स आर थर्टी टू, फोर नाइन आर थर्टी सिक्स, फोर टेंस आर फोर्टी। मैं एक बार रीड करके बता रही हूँ। फोर वंस आर फोर, फोर टूज आर एट, फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, फोर फोर्स आर सिक्सटीन, फोर फाइव आर ट्वेंटी, फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर, फोर सेवन आर ट्वेंटी एट, फोर एट्स आर थर्टी टू, फोर नाइन आर थर्टी सिक्स, फोर टेंस आर फोर्टी। तो पहले आप लोग इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रीड करके मेरे टाइम बताऊंगी। आप लोग दो चार बार रीड कीजिएगा तो आप लोगों को लगभग याद हो जाएगा, फिर आप लोग होमवर्क में याद करेंगे। ओके, तो एक साइड से ऊपर मैं आपको क्लास समझे मल्टीप्लीकेशन टेबल और टेबल ऑफ फोर लिखना है रीडिंग। उसके बाद आपको टेबल लिखना है एक साइड फोर का और एक साइड जो जगह बचेगा उसमें आपको होमवर्क में खुद से रिमेंबर करके लिखना है। चलिए पहले से आप अच्छी राइटिंग में नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को रीड करवा दूँगी। तो फिर आप लोग घर अभी रीड करने से आप लोग कुछ याद हो जाएगा और जो बचा हुआ रहेगा वो आप लोग होमवर्क में याद कर देंगे। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अच्छी राइटिंग में नोट कीजिएगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन का स्पेलिंग देख लीजिए। एम यू एल टी एल मल्टी पी एल आई सी एल टी आई ओ एन
आप लोगों ने नोट कर लिया तो चलिए मैं आप लोगों को रीड करवाती हूँ, आप लोग साथ साथ रीड कीजिएगा। ओके, पहले फोर वंस आर फोर, फोर वंस आर फोर, फोर टूज आर एट, फोर टूज आर एट, फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, फोर फोर्स आर सिक्सटीन, फोर फोर्स आर सिक्सटीन, फोर फाइव आर ट्वेंटी, फोर फाइव आर ट्वेंटी, फोर सिक्सेस आर ट्वेंटी फोर, फोर सिक्सेस आर ट्वेंटी फोर, फोर सेवन्स आर ट्वेंटी एट, फोर सेवन्स आर ट्वेंटी एट, फोर एट्स आर थर्टी टू, फोर एट्स आर थर्टी टू, फोर नाइन्स आर थर्टी सिक्स, फोर नाइन्स आर थर्टी सिक्स, फोर टेन्स आर फोर्टी, फोर टेन्स आर फोर्टी। ओके, तो चलिए आप लोग फिर से रीड कीजिए, मैं रीड करवा रही हूँ। पहले फोर वन आर फोर, फोर टूज आर एट, फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, फोर फोर्स आर सिक्सटीन, फोर फाइव आर ट्वेंटी, फोर सिक्सेस आर ट्वेंटी फोर, फोर सेवन्स आर ट्वेंटी एट, फोर एट्स आर थर्टी टू, फोर नाइन्स आर थर्टी सिक्स, फोर टेन्स आर फोर्टी। तो चलिए आप लोग फिर से रीड कीजिए, लेकिन फोर वन साइड क्या हो जाएगा, फोर, फोर टूज आर क्या होगा एट, फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, फोर फोर्स आर सिक्सटीन, फोर फाइव्स आर ट्वेंटी, फोर सिक्सेस आर ट्वेंटी फोर, फोर सेवन्स आर ट्वेंटी एट, फोर एट्स आर थर्टी टू, फोर नाइन्स आर क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स, फोर टेन्स आर फोर्टी। चलिए आप लोगों ने रीड कर लिया, उम्मीद है कुछ तो याद हो गया होगा और बाकी जो बचा उसे आप लोग होमवर्क में याद कर लेंगे। ओके, तो चलिए मैं आगे आप लोगों को फाइव का टेबल बता रही हूँ, आप लोग नेक्स्ट पेज में फाइव का टेबल नोट करेंगे और इस पेज में नोट करके जो आपको एक साइड जगह बची होगा उस साइड आप लोग खुद से रिमेम्बर करके लिखना आप लोगों को। ओके, चलिए आप लोग पेज पलट लीजिए, नेक्स्ट पेज में आप लोगों को लिखना है, जिसमें आप लोगों ने लिखा था उससे आगे वाले पेज में लिखना है। तो मैं पहले लिख देती हूँ कैसे, उसके बाद आप लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं आप लोगों को रीड करवा दूंगी। पढ़िए, फाइव वंस आर फाइव, फाइव टूज आर टेन, आप लोग साथ साथ रीड करते चलिए, फाइव थ्रीज आर फिफ्टीन, फाइव फोर्स आर ट्वेंटी, फाइव फाइव्स आर ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्सेस आर थर्टी, फाइव सेवन्स आर थर्टी फाइव, फाइव एट्स आर फिफ्टी, फाइव नाइन्स आर फिफ्टी फाइव, फाइव टेन्स आर फिफ्टी। चलिए सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए नोटबुक में, फाइव फाइव आर ट्वेंटी फाइव के बाद आप लोग इसे नीचे लिखे हुए यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने सर लिखा। चलिए आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रीड करवाऊंगी तो आप लोग रीड लिख दीजिए। ओके, अच्छी राइटिंग में नोट कीजिए। लोगों ने नोट कर लिया होगा तो चलिए मैं आप लोगों को रीड करवाती हूँ, आप लोग रीड कीजिए। पहले फाइव वंस आर फाइव, फाइव वंस आर फाइव, फाइव टूज आर टेन, फाइव टूज आर टेन, फाइव
trees are 15. 5 trees are 15. 5 fours are 20. 5 fours are 20. 5 fives are 25. 5 fives are 25. 5 sixes are 30. 5 sixes are 30. 5 sevens are 35. 5 sevens are 35. 5 eights are 40. 5 eights are 50. 5 nines are 35. 5 nines are 55. 5 tens are 50. 5 tens are 50. चलिए फिर से रीड कर लेते हैं। 5 ones are 5. 5 twos are क्या होगा 10. 5 threes are 15. 5 fours are 20. 5 fives are 25. 5 sixes are 30. 5 sevens are 35. 5 eights are 50. 5 nines are 55. 5 tens are 50. ओके चलिए एक बार और आप लोग रीड कर लीजिए। 5 ones are 5. 5 twos are 10. 5 threes are 15. 5 fours are 20. 5 fives are 25. 5 sixes are 30. 5 sevens are 35. 5 eights are 40. 5 nines are 45. 5 tens are 50. तो चलिए आप लोगों ने रीड कर लिया है और एक साइड जो जगह बचा है उसे आप लोग होमवर्क में 4 एंड 5 का टेबल आप लोगों को रिमेंबर करना है, तो उसे आपको रिमेंबर कर लीजिएगा और उसे होमवर्क में आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को होमवर्क समझ आ गया। नोटबुक के एक साइड आप लोगों का स्पेस बचा हुआ होगा जगह, उसमें आप लोगों को खुद से रिमेंबर करके बिना देखे हुए लिखना है। आप लोगों को अच्छे से रिमेंबर जब हो जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा। 4 और 5 का टेबल है। प्रीवियस क्लास में 2-3 का आप लोगों का कम्प्लीट हो चुका, आज 4 एंड 5 का कम्प्लीट हो जाएगा। आप लोग होमवर्क में रिमेंबर कर लेंगे। ओके तो आज का आपका होमवर्क मिल चुका है और आपका क्लास भी हो गया, तो फिर आज की क्लास हमारे यहीं तक था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।